मुल्तानी फेमिना जहां फैशन वहां, एक ही छत के नीचे विशाल शोरूम, वो सभी ब्रांड जो आपको देते हैं खास पहचान। आबुलेन मेरठ। मेरठ में सोमवार को शादी समारोह के दौरान बाथरूम में मृत अवस्था में पाई गई किशोरी की हत्या से पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। बकौल एसएसपी, किशोरी की हत्या उसके मौसेरे भाई विशाल गुप्ता ने की थी। घर आने जाने के दौरान वह किशोरी को पसंद करने लगा था और शादी की रात जब किशोरी वॉशरूम गई हुई थी उसने उसे बुरी नीयत से दबोच लिया था। विरोध करने पर विशाल ने उसी समय गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद उस कक्ष में पहुंचा सिपाही नशे में होने के कारण वहीं सो गया था, जिसे अगले रोज परिजनों ने मारपीट कर पुलिस के हवाले कर दिया था। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। दरअसल सोमवार की रात गढ़ रोड स्थित रेड कारपेट वेंकट हॉल में एक विवाह समारोह था। रात को एकाएक ही दूल्हे की भांजी किशोरी की तलाश हुई तो वह गायब मिली। शक के आधार पर एक कक्ष का दरवाजा तोड़ा गया तो उसके बाथरूम में किशोरी अर्धनग्न अवस्था में मृत पाई गई। बाहर कमरे में पलंग पर एक सिपाही रवि बालियान सोया हुआ था। बेहद नशे के कारण वह उठ नहीं पा रहा था। अगले रोज क्षेत्रीय नागरिकों व परिजनों ने मेडिकल कॉलेज के बाहर गढ़ रोड पर जाम लगा दिया था। इस पर पुलिस ने वेंकट हॉल को सील कर दिया था। आज पुलिस लाइन में मेरठ के पुलिस कप्तान प्रभाकर चौधरी ने मीडिया को यह जानकारी दी। बाबनपुर थाना क्षेत्र में एक रिजॉर्ट में घटना हुई थी शादी समारोह के दौरान, और उसमें जब इन्वेस्टिगेशन की गई, जो भी साइंटिफिक एविडेंसेस थे सभी इकट्ठा किए गए, फुटेज वगैरह भी देखे गए, सीडीआर से भी देखा गया, तो उसमें ये पता चला कि जो मृतका है मेजर है और उनका एक मौसेरा भाई है, उसके द्वारा एक घटना कारित की गई, क्योंकि वो जब दोनों ही मिसिंग थे दो घंटे तो उसी में उसी दौरान सब पूछताछ भी सारे एविडेंसेज की सब देखे गए तो सब उसके खिलाफ कार्य हुए, उसने घटना का स्वीकार भी किया है और वो रिश्तेदारी बहुत ज़्यादा दूर थी। अभी उनको गिरफ्तार कर लिया गया और इसमें आगे की भी और जांच की जा रही है, पूरी कार्रवाई इसमें की जाएगी। जो रिजॉर्ट है उन्होंने भी जो शर्तों का अनुपालन नहीं किया है उसके खिलाफ भी वो सिविल या क्रिमिनल ऑफेंस जो भी बनता है उसमें भी घटना पंजीकृत किया जाएगा या सिविल के अंतर्गत उनके लाइसेंस। देखिए वो बताना इसलिए ठीक बहुत ज़्यादा नहीं रहता क्योंकि उससे लोगों को पता चल जाता है तो डिफेंस मोड में लोग डीएनए प्रोफाइलिंग कराई गई आगे के लिए ताकि पूरी सज़ा दिलाई जा सके, क्योंकि घटनास्थल को इस तरह का चीज़ पता चला था, जो भी चीज़ मिली थी कि विरोध हुआ होगा, कोई चीज़ हुआ होगा आरोपी से भी ऐसा मिली, तो एहतियात के तौर पे पहले ही डीएनए प्रोफाइलिंग नहीं। एक कांस्टेबल उसमें चूँकि उस कमरे में सो रहा था तो उसके साथ भी पिटाई उटाई हो गई थी, बट उसने जो बयान दिया और बताया कि उस कंडीशन में था ही नहीं। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ और लोग पकड़े गए तो ये पता चला कि बिल्कुल उसकी बात भी सही थी, बट अभी उसको जांच के दायरे में रखा गया है। एहतियात से सर शुरुआत में सामूहिक दुष्कर्म की बात आ रही थी, इसमें क्या पीएम में कुछ ऐसा क्लियर हुआ दुष्कर्म किसने दुष्कर्म करने के विरोध में हत्या की गई? नहीं देखिए सामूहिक दुष्कर्म ये आप बता रहे हैं, अगर आपके पास कोई साक्ष्य तो शुरुआत में कल ये बात निकलकर आ रही थी परिजनों ने भी आरोप लगाया था। देखिए बात यही लिख कर दी थी, बात निकलना अलग है एविडेंस मिलना उसका अलग होता है, और कोई सामूहिक दुष्कर्म या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना तो मेडिकल रिपोर्ट में कोई ऐसी चीज़ है। और एक ही आरोपी था जिसने मरने मतलब ये जान के जब उसने गला दबाया तो उसको लगा होगा कि जो है लड़की मर गई, उसके बाद उसने करने की कोशिश की। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।